नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है और पीरियड आने में जो समय जो फेज होता है 14-15 दिन का, जो भी फेज होता है एक दो हफ्ते का, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि कोई ऐसी ट्रिक हो, कोई ऐसी तरीका हो, कोई ऐसा मेथड हो पता चले जिससे मैं जान सकूं कि मैंने कंसीव किया है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी आपको सिम्टम्स बताए हैं, टिप्स बताई हैं कि किस तरह से आप जान सकते हैं। लेकिन आज एक साइंटिफिक बात करने वाली हूं, एक साइंटिफिक सिम्टम बताने वाली हूं जो आप अपने शरीर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज मैं इसी इम्प्लांटेशन सिम्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी आप सभी को, जिसको अच्छे से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आप जान सकेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं बिफोर पीरियड। तो आइए जानते हैं कि वो सिम्टम क्या है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद सामान्यतः माना जाता है कि ओवुलेशन होने के दो हफ्ते के बाद में पीरियड आ जाता है। तो जब ओवुलेशन का एक हफ्ता बीत जाता है, दूसरा हफ्ता होता है वो पीरियड माना जाता है। ओवुलेशन के छठे से बारहवें 14 दिन तक का पीरियड माना जाता है कि इम्प्लांटेशन का होता है। अब इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक फर्टिलाइज्ड एग, जब एग्रोस्पर्म मीट कर जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो माँ के शरीर में, माँ के गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक जाता है और इसको हम गर्भधारण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आज एक विशेष सिम्टम की बात कर रही हूं, वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर में डिप। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर का तापमान है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं। उन फ्लक्चुएशंस को देखकर, जानकर, कैलकुलेट करके हम अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हमको कैसे करना है? तो देखिए, चार्टिंग मेथड होता है कि जिससे कि हम अपने शरीर के तापमान को डेली नोट करते हैं। उससे, शरीर के तापमान को नोट करने से आप अपना ओव्यूलेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इम्प्लांटेशन की बात करें। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद आप अपने 7वें से 10वें दिन के बीच में किसी एक दिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें एक सडन सा डिप, 1 डिग्री का डिप, कमी, टेम्परेचर डाउन हो जाता है उस समय 1-8 डिग्री, तो ऐसा डिप देखते हैं अगर, तो ये एक लक्षण होता है इम्प्लांटेशन का। ओके, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम 100% नहीं होता, क्योंकि सभी महिलाओं का शरीर अलग होता है। बहुत सारी महिलाएं 2-3 महीने प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको कोई लक्षण नहीं होते, और बहुत महिलाओं को पहले दूसरे हफ्ते से ही सारे लक्षण और कई सारे लक्षण, वॉमिटिंग होना, मूड स्विंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। तो बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है और कई महिलाओं में ऐसा नहीं भी होता है। तो अब हम समझेंगे कि ये हम करें कैसे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आपको समझना पड़ेगा कि इस चीज को आपको रूटीन में करना कैसे है। तो देखिए, बेसल बॉडी टेम्परेचर को मीजर करने का सही टाइम होता है जब हम सुबह बेड में से उठते हैं, सो के उठते हैं। डेली एक ही समय पे आपको टेम्परेचर नोट करना है। थर्मामीटर जो है आप अपने बेड के साइड में टेबल पर रखा करें और जैसे ही आप सो के उठें सबसे पहले अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करें और वहां पे एक चार्ट हो, एक डायरी हो, वहां पे मेंशन कर दें डेट के साथ में। तो ओव्यूलेशन के 7वें से 10वें दिन आपको ऑब्जर्व करना है कि किस दिन आपके टेम्परेचर में एक सडन डिप आता है, एक कमी आती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि टेम्परेचर होना कितना चाहिए फिर। ओके, तो जनरली बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 97 से लेकर 99 तक जाता है, ये रेंज होती है। लेकिन उस समय आपको 96 के आसपास हो सकता है कि आपका टेम्परेचर गया हो, 1-1.5 डिग्री के आसपास उसमें डिप आपको ऑब्जर्व हो। तो फ्रेंड्स, ये एक खास लक्षण माना जाता है इम्प्लांटेशन का। हालांकि इसका रीजन होता है एस्ट्रोजन का स्पाइक। जैसे एस्ट्रोजन दूसरे साइकिल में, ल्यूटियल फेज में बढ़ने लगता है तो ये डाउन होता है, उसके बाद स्पाइक आता है, लेकिन इसको इम्प्लांटेशन का भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप पूरे महीने आप अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करें, उसको चार्ट बनाएं, नोट करें डेली, और इस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के समय बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज रहता है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया था कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स से ओव्यूलेशन को कैसे जाने, उसमें आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। लक्षण और से आप अपने ओव्यूलेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं और इम्प्लांटेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन को बिफोर पीरियड, पीरियड मिस होने से पहले ही आप समझ सकते हैं, काफी हद तक
प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में काफी हेल्पफुल होगा। इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें, तनाव मुक्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।